अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या? बोला सर बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है डिफरेंट बॉल बियरिंग्स। तो जैसे मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में दिखाया कि सर बॉल बियरिंग जो है फोर टाइप के होते हैं, दैट मीन्स डीप ग्रू बॉल बियरिंग, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग, सेल्फ अलाइन बॉल बियरिंग और द थ्रस्ट बॉल बियरिंग। तो ये चारों जो इसके पार्ट हैं बॉल बियरिंग के, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दैट मीन्स पूछा जाता है। तो पढ़ने को तो हम इसको बहुत ज़्यादा पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, जितना एग्जामिनर पूछ चुका है। और वाला सर प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि सर ये टॉपिक वो पूछ सकता है इस बियरिंग के बारे में, वही चीज़ें मैं आप लोगों को डिस्कस करूँगा। तो जो भी चीज़ें डिस्कस करूँगा पॉइंट टू पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, ज़्यादा फर्दर आपको पढ़ने की इसके अंदर कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी पॉइंट्स मैं आप लोगों को बनाऊं वो आप याद कर लीजिएगा या अपने शॉर्ट नोट्स में रिवाइज कर लीजिएगा। एट लास्ट मैं आप लोगों को बता दूंगा कि जो शॉर्ट नोट्स हैं उनके अंदर आप लोगों को क्या क्या लिखना है, सो दैट आप वो चीज़ें जब भी रिविज़न करेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएंगी, और जब भी जैसे ही एग्ज़ाम में आएगा तो हम उसको उड़ा देंगे। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आप लोगों को दैट मीन्स एक बॉल बियरिंग दिखाया था, ये मेरे हाथ में भी दैट मीन्स बॉल बियरिंग आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो ये जो बॉल्स हैं इन, ये जो बॉल है किस तरीके से दैट मीन्स क्या होती हैं, अटैच होती हैं, या दैट मीन्स किस तरीके से यहाँ पर सेट की जाती हैं, उसके हिसाब से हम लोग इनको बोलते हैं। जैसे अभी तो आप लोगों को एक सिंगल पेयर दिख रहा होगा, दैट मीन्स क्या, एक सिंगल बॉल बियरिंग है। कल कई बॉल बियरिंग ऐसे भी होते हैं जहाँ पर पेयर ऑफ द बॉल्स होती हैं, यानी दो बॉल्स एक साथ होती हैं, ठीक है। तो उनका पर्पस क्या होता है, किस बियरिंग के अंदर दैट मीन्स दो बॉल्स होती हैं, ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को बताऊंगा, और कौन सा बियरिंग किस लोड को बियर करने में काम आता है, ठीक है। नाम के साथ साथ हम इसमें चलते रहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं बेटा, पहला जो हमारा बियरिंग होगा वो हमारा होगा फर्स्ट इज अ डीप ग्रूव बॉल बियरिंग, ठीक है, डीप ग्रूव बॉल बियरिंग। इसको स्मॉल में लिख दूं कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? बोले सर कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमारा हो जाएगा बोले सर डीप ग्रूव बॉल बियरिंग। तो ये डीप ग्रूव बॉल बियरिंग है, इसको डीप ग्रूव क्यों बोला गया है, ये सबसे पहले बात आती है। तो बोले गुरुदेव अगर हम लोग बात करते हैं हमारे पास जो बॉल बियरिंग है, इस बॉल बियरिंग के अंदर आप लोगों को दिख रहा होगा कि सर हमारे पास दैट मीन्स क्या होता है, बोले सर एक बॉल होता है। तो जब मैं रोलिंग एलिमेंट जो है वो आपका क्या है, बोले सर बॉल है, गॉट इट बोले सर हाँ। तो जो बॉल होगा आपका, यहां पर जो बॉल होगा वो दैट मीन्स आपकी जो आउटर रेस और इनर रेस की हम जो बात करें, आउटर रेस और इनर रेस की अगर हम बेटा जो हम बात करते हैं, तो यहां पर जो हमारा बॉल है, यहां पर जो मेरा बॉल है वो बेसिकली क्या होता है बोले सर, वो डीप ग्रूव होता है। उसके अंदर क्या होता है, डीप ग्रूव होता है। डीप ग्रूव का मतलब बोले गुरुदेव वो इस तरीके से सेट होता है कि बोले सर दैट मीन्स क्या करे बोले गुरुदेव इट विल नॉट एग्जिट आउट जब उस पर लोड लगता है। तो यहां पर आप देख रहे होंगे बोले सर ये हमारा, ये जो मैंने ये बनाया है ये आप लोगों के सामने येलो कलर का, ये क्या है आपका आउटर रेस है, दैट मीन्स, और ये क्या है आपका बॉल है, ठीक है। तो आप यहां देख सकते हैं कि जो आउटर रेस होगा उसकी रेडियस में मान लेता हूं सपोज आर डैश, और हम लोग क्या कह देंगे बॉल की रेडियस मेरी क्या हो जाएगी आर। तो हम लोग कह देंगे कि जो आउटर रेस है उसकी रेडियस क्या होती है, मोर देन दैट मीन्स दिस आर। तो जो ग्रूव हमारा जो कटा होता है वो दैट मीन्स क्या होता है, डीप होता है, बड़ा होता है। तो दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज द डीप ग्रूव बॉल बियरिंग। क्लियर है? अब देखो ये हो गया आपका डीप ग्रूव बॉल बियरिंग, तो यानी जो आउटर रेस की रेडियस है इट इज मोर देन आपकी बॉल की रेडियस से, सो दैट इट इज द डीप ग्रूव बॉल बियरिंग। अब सुनो, अब हम बात करते हैं कि सर ये जो डीप ग्रूव बॉल बियरिंग है वो जो लोड है किस तरीके से दैट मींस लेता है। तो अब एक चीज थोड़ा सा नोट कीजिएगा,
अब यहां पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा सो दैट आप लोगों को क्लियर हो. सपोज दैट हमारा जो लोड है वो क्या हो रहा है, बोले सर ये हम लोग रब कर दें, ये हम लोग रब कर दें, सो दैट आप लोग क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो अगर मैं बोलूं बोले सर इफ द लोड इज कम्स फ्रॉम रेडियल डायरेक्शन, अगर आपका लोड मेरे बच्चे किससे आ रहा है, रेडियल डायरेक्शन से, ऑब्वियस ही बात है भाई जो हमारे लोड है दैट मींस वो रेडियल डायरेक्शन से भी आ सकता है. और बोला हम लोग कह दे बोले सर इफ द लोड कम्स फ्रॉम द एक्सियल डायरेक्शन ऑल्सो, द एक्सियल डायरेक्शन ऑल्सो. अब कब सब लोग कहेंगे सर आपने इधर से ही क्यों लगाया, उधर से क्यों नहीं लगाया, उधर से भी लगा सकते हैं. तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि सर ये रेडियल लोड ले सकता है, ये जो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग है वो रेडियल लोड ले सकता है. बोला सर डेफिनेटली रेडियल लोड ले सकता है, ऑब्वियसली बात है ये बेयरिंग है दैट मींस कितना भी लोड दे दो उसको क्या कर देगा, ये लोड ले लेगा. एक्सियल लोड ले सकता है, बोला हाँ सर एक्सियल लोड ले सकता है, लेकिन ज्यादा एक्सियल लोड लगा देंगे तो ऑब्वियसली बात है हो सकता है कि इट विल इधर से फिसल के उधर चले जाए. क्लियर है, हो सकता है ना. लेकिन सर रेडियल लोड के लिए तो परफेक्ट है, रेडियल लोड के लिए तो परफेक्ट है. क्यों? क्योंकि यहां पर ही आ रहा है. तो यहां पर हम लोग कह देंगे कि सर जो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग आप लोगों का है वो दोनों लोड लेता है. दैट मींस हम लोग क्या कह देंगे, बोले सर इट टेक्स लोड इन बोथ डायरेक्शन, टेक लोड इन बोथ डायरेक्शन. दैट मींस हम लोग कह दें बोले सर रेडियल लोड और एक्सियल लोड दोनों लोड लेता है. बट हम लोग क्या कहते हैं, बट हम इनको ज्यादातर किसके लिए यूज करते हैं, बोले सर रेडियल लोड के लिए हम इसको ज्यादा यूज करते हैं. तो आप कह सकते हैं कि इट इज मेजरली यूज्ड फॉर टेकिंग द लोड्स इन रेडियल डायरेक्शन. तो हम लोग इनको ज्यादा रेडियल डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं. लोड दोनों ले सकता है, रेडियल भी ले सकता है, एक्सियल भी ले सकता है, जो मैंने आप लोगों को यहां पर दिखाया. तो दोनों लोड ले सकता है, बट यूज ज्यादा किसके लिए होगा, मोस्टली यूज फॉर रेडियल लोड्स. एक बात, दूसरी बात मैं आप लोगों को बात करूं बेटा, आप लोगों के पास चार बॉल बेयरिंग है तो बेसिकली बेटा इसके अंदर हम लोग क्या कहेंगे कि सर जो ऑपरेशन है यहां पर आपका, That means there is a deep groove ball bearing. क्या है? बोला सर that means there is a noiseless. ये क्या है? बोला सर noiseless operation. यहां पर जो operation है इसका, या that means क्या है? In all ball bearing. जितने भी आपके ball bearing हैं, उनके अंदर सबसे that means क्या है? कम नॉइस पैदा करता है ये, इसलिए इसको हम लोग नॉइसलेस बेयरिंग कहते हैं. इसका ऑपरेशन कैसा है? नॉइसलेस है इन ऑल बॉल बेयरिंग. याद कर लीजिएगा, पूछ लेता है कि सर नॉइज, ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि सर बॉल बेयरिंग के अंदर कौन सा नॉइस नहीं करता, तो आप कहेंगे डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग हम लोग यूज करते हैं. क्लियर है, अब आ जाओ. ऑब्वियसली बात है आप लोग देखते हैं कि सर हमारे पास जो बॉल बेयरिंग के अंदर जो कॉन्टैक्ट है वो कैसा है, बोला सर पॉइंट कॉन्टैक्ट है, और दैट मींस डीप ग्रूव होने की वजह से पैकिंग भी क्या है, बोला सर अच्छी पैकिंग है. दैट मींस क्या है, पैकिंग अच्छी है. तो जब पैकिंग अच्छी है और दैट मींस हमारे पास क्या है, बोला सर पॉइंट कॉन्टैक्ट है, तो फ्रिक्शन और जो हीट जनरेटेड है वो क्या होगा, बोला सर लेस होगा. तो दैट्स व्हाई हम लोग क्या कह देंगे, दीज बियरिंग्स आर कॉमनली यूज्ड. तो बेसिकली ये जो बॉल बियरिंग है, अधिकतर आप एप्लीकेशंस जब देखेंगे तो आप इनका इसको बहुत ज्यादा दैट मींस देखेंगे. तो हम लोग यहां पर कह देते हैं ड्यू टू पॉइंट कॉन्टैक्ट एंड पैकिंग, ड्यू टू पॉइंट कॉन्टैक्ट एंड पैकिंग फ्रिक्शन एंड हीट जनरेटेड इज लेस. दैट मींस क्या है, इज लेस. तो दैट मींस क्या है, ड्यू टू द पॉइंट कॉन्टैक्ट एंड पैकिंग जो फ्रिक्शन और हीट जनरेट है वो क्या है, लेस है. दैट्स व्हाई That's why
दे आर कॉमनली यूज्ड। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कॉमनली इनको यूज करते हैं, तो मेजरली आप लोगों को इन बियरिंग को आप लोग ज्यादा देखेंगे। गॉट इट क्लियर। एक और चीज हम लोग कहेंगे, तो डीप ग्रूव बॉल बियरिंग है, दे आर यूज्ड इन हाई स्पीड एप्लीकेशन। यहां पर मैं ये और लिखूंगा कि सर दैट मीन देयर इज अ डीप ग्रूव, यहां पर लिख देता हूं, यहां पर थोड़ा सा छोटा हो गया, इसको ऊपर कर दे काम बन जाएगा। चलो इसको थोड़ा ऊपर कर देते, कोई दिक्कत तो नहीं ना। ठीक है, यही लिख देता हूं मैं नीचे, है ना। दीज बियरिंग्स आर यूज्ड इन हाई स्पीड एप्लीकेशन। ठीक है, दिस यूज्ड इन हाई स्पीड एप्लीकेशन। तो ये हम लोग कहां पर यूज कर लेते हैं, हाई स्पीड एप्लीकेशन के अंदर हम इनको यूज करते हैं। क्लियर है? तो ये जितना भी डाटा मैंने आप लोगों को बताया है, इट इज मोर देन इनफ। इसके बारे इससे ज्यादा आप डीप जो गोल जो दैट मीन्स आप लोगों के बियरिंग है, इससे इसके ज्यादा आप इसके बारे में ना ही पढ़े तो ठीक रहेगा। क्लियर है? चले आगे, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, बोले सर क्या, बोले सर देयर इज अ एंगुलर कॉन्टैक्ट सेकंड एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग। कौन सा बियरिंग बेटा? एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग। तो इसके अंदर हम लोग क्या कहेंगे कि सर ये जो इसकी जो हम लोग दैट मीन्स देखें कि सर ये किस तरीके से कनेक्ट होता है, ये किस तरीके से कनेक्ट होता है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊं। तो अगर आप देख सकते हैं बेटा, जो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग है वो क्या होगा, उसकी जो दैट मीन्स कनेक्शन होगा क्या होगा, इनर रेस और आउटर रेस का, वो क्या होगा, बोला सर एक एंगल पे कनेक्शन होगा। दैट मीन्स ये क्या है आप लोगों की, सपोज दैट हम लोग क्या कह दें कि बोला सर दिस इज द आउटर रेस, जो बियरिंग का पार्ट है, बियरिंग हाउसिंग हम लोग बोल देंगे। ठीक है, तो यहां पर जो है, यहां पर आप लोगों की जो बॉल होगी वो क्या होगी, दिस इज द बॉल, ये आपकी क्या हो जाएगी, बोले सर बॉल हो जाएगी। क्लियर है? तो ये मेरी बॉल हो गई, तो दैट मीन्स ये जो है वो किस पे होता है, एक एंगल पे होता है। तो जो कॉन्टैक्ट हम लोग बोलेंगे, एंगुलर कॉन्टैक्ट इसको किस लिए बोला गया कि सर जो कॉन्टैक्ट होगा आपका बियरिंग हाउसिंग के साथ, तो वो कैसा होगा, बोला सर एक एंगल पे होगा। तो ये हमारे क्या है, बोला दीज आर एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग। क्लियर है? अब हम बात करते हैं कि सर ये जो बियरिंग है वो दैट मीन्स किस तरीके से लोड ले सकते हैं। तो बोला सर ये जो बियरिंग आप लोगों का होगा, ये हमारा क्या करेगा, बोला सर इट टेक्स, ठीक है, इट टेक्स लोड इन बोथ डायरेक्शन। तो बोथ डायरेक्शन कौन कौन सी मेरे भाई, कौन कौन सी, बोला सर, बोला सर ये रेडियल भी ले सकता है और एक्सियल भी ले सकता है, दोनों डायरेक्शन में ये लोड ले सकता है, रेडियल भी आपका ले लेगा और एक्सियल भी आपका ले लेगा। बट हम लोग बेसिकली इसको किसके लिए यूज करेंगे, बेसिकली हम इसको किसके लिए यूज करेंगे, बोले सर इट इज बेसिकली यूज फॉर द टेक अप द एक्सियल लोड। तो हम लोग यहां पर लिख देंगे कि पर यहां पर आ रहा है यूज्ड मोस्टली यूज्ड फॉर एक्सियल लोड्स। क्या कहेंगे हम लोग इसको, हम लोग एक्सियल लोड्स के लिए ज्यादातर यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आप याद रख लीजिए। अब इसको कैसे याद करना है, एंगुलर कॉन्टैक्ट ए, तो दैट मीन्स एंगुलर कॉन्टैक्ट एक्सियल लोड के लिए होगा। अब डीप ग्रूव बॉल बियरिंग यहां पर भी आपको दिखाया, तो ये क्या ले लेगा, रेडियल लोड ले लेगा। क्लियर है मेरे बच्चे, क्लियर है, बोले सर हाँ। तो ये आप लोगों ने देखा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कुछ थोड़ा सा आपको ब्लर ब्लर तो नहीं दिखाई दे रहा है ना, कुछ देखिए जरा, ब्लर ब्लर तो दिखाई दे नहीं दे रहा है ना, बोले सर ये सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो तो ठीक है ना, चलो यहां पर तो ये आपके पास हो गया एंगुलर। इसके बाद अगर मैं यहां पर बात करता हूं, तो ये हमारे पास हो गया। दूसरी बात हम लोग कह देंगे कि सर ये जो बियरिंग है ये क्या होता है, इट इज द मोर स्ट्रॉन्गर देन
डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग, तो डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग से ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो कुछ पूछा नहीं गया है तो इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। अब बात करते हैं सर इस बियरिंग के अंदर जो डिसएडवांटेज थोड़े से ज्यादा है, लाइक हम लोग बात क्या करें, तो यहां पर खोपचे में हम लोग लिखते हैं इसके डिसएडवांटेज सो दैट आप लोगों को क्लियर होगा। तो इसके अंदर इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसके अंदर बोले सर इसके डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो बेटा ये क्या होगा, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी मिसअलाइनमेंट। तो हम लोग क्या कहेंगे, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी मिस अलाइनमेंट। ये दैट मीन्स क्या करता है, कोई भी मिस अलाइनमेंट प्रोवाइड नहीं करवाता। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि बेसिकली बेटा ये जो मिस अलाइनमेंट होता है वो क्या होता है, रुकिएगा जरा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे दैट मीन्स क्या, नेक्स्ट हम लोग कहेंगे बोले सर टू बियरिंग आर रिक्वायर्ड टू बियर, टू बियरिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बियर एक्सियल लोड, दैट मीन्स टू रिक्वायर, दैट मीन्स द टू बियरिंग आर रिक्वायर्ड टू एक्सियल लोड इन बोथ डायरेक्शन, दैट मीन्स इन बोथ डायरेक्शन। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझाऊं कि सर ये वो क्या कहना चाह रहा है। तो देखो बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज दैट हमारे पास क्या है, बोले सर दिस इज माई बियर, दैट मीन्स बोले क्या है, बोले सर दिस इज माई बियरिंग हाउसिंग, ठीक है, ये मेरा क्या है, बोले सर दिस इज द बियरिंग हाउसिंग, ठीक, ये हम लोगों ने क्या बना दिया, बोले सर दिस इज माई बियरिंग, गॉट इट। ये मेरा क्या हो गया, बोले सर ये मेरा शाफ्ट हो गया, ये आपका शाफ्ट हुआ, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, दैट मीन्स मैंने ये बनाया तो बोले सर ये बियरिंग हो गया। सपोज दैट मैं बोल सकता हूं कि सर अगर मेरा लोड, अगर बोला गुरुदेव मेरा लोड इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कौन सा डायरेक्शन है, बोला सर एक्सियल डायरेक्शन, क्लियर है। एक सिचुएशन ये बन सकती है, ये आ रहा है, तो एक हम लोग बोले कि बोला सर ऐसे ही मेरा ये आपका क्या है बियरिंग है, और हम लोग कह देंगे कि सर दिस इज माई शाफ्ट, ये क्या है, दिस इज माई शाफ्ट। तो लेकिन सपोज दैट मीन्स क्या हो रहा है, बोले सर लोड इज कम, लोड जो है वो दैट मीन्स क्या है, बोले सर इस डायरेक्शन में है, बोले सर लोड जो है वो क्या है, बोले सर इस डायरेक्शन में है। तो बोला गुरुदेव मैं कहना चाहूंगा ये आपके पास दो डायग्राम मैंने यहां पर आप लोगों के सामने बना दिए, तो आप लोगों को साफ साफ दैट मीन्स यहां पर दिखाई दे रहा होगा, दैट मीन्स ऊपर वाला जो ये बियरिंग है ऊपर वाले लोड को ले सकता है, बोले सर बिल्कुल ये वाला लोड ले लेगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, लेकिन ये वाला लोड बोले सर ये वाला लोड नहीं ले सकता, क्यों, क्योंकि सर इधर कोई सपोर्ट देने वाला है ही नहीं, इधर कोई सपोर्ट देने वाला है ही नहीं, तो दैट मीन्स नहीं होगा। तो अगर आपको इधर भी सपोर्ट चाहिए, ऑब्वियसली बात है शाफ्ट में दैट मीन्स लोड इधर से भी आ सकता है, इधर से भी आ सकता है, दोनों साइड से आ सकता है ना, तो सर है तो एक्सियल ही ना भाई, ये चाहिए ये ले लो तो सर एक्सियल ये भी हो सकता है। तो बोले सर अगर इसको भी सपोर्ट करना है उसको भी सपोर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अगर करेक्ट करना है गुरुदेव, इसको अगर आपको करेक्ट करना है गुरुदेव तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोले सर यहां पर भी एक ऐसा ही बियरिंग आपको सेट करना पड़ेगा। तो बोले सर यहां भी बना दोगे, अब ये क्या कर लेगा, इधर वाला भी ले लेगा, इधर वाला भी ले लेगा और इधर वाला भी ले लेगा, तो दोनों ले लेंगे, तो दैट मीन्स क्या हो गए, बोले सर हम लोगों को पेयर बनाने पड़ेंगे, गॉट इट ना। तो यही चीज मैंने यहां पर लिखी है कि बोले सर द टू बियरिंग्स आर रिक्वायर्ड टू बियर एक्सियल लोड इन बोथ डायरेक्शन, क्लियर है। अब सुनिए, अब ये क्लियर हो गया, अब बात करते हैं बोले सर यहां पर आपने एक बहुत खूबसूरत चीज यहां पर आपने लिखी, बोले सर क्या, दैट मीन देयर इज अ मिस अलाइनमेंट। तो सर ये जो मिस अलाइनमेंट होता है ये क्या होता है, बेसिकली बेटा हम लोगों को पता है कि जब भी हम लोग किसी मशीन के अंदर वट एवर कोई भी शाफ्ट दैट मीन्स माउंट करते हैं, कोई भी शाफ्ट वगैरह आप अगर माउंट करेंगे तो ऑब्वियसली हो सकता है कि भाई आपने थोड़ा सा उसको गलत रख दिया हो, दैट मीन्स क्या है, थोड़ा सा आपने उसको गलत दिया माउंट करने में, दैट मीन्स गलत लिख दिया हो, दैट मीन्स हो सकता है कि उस बियरिंग उस जो शाफ्ट है उसके अंदर थोड़ा सा डिफ्लेक्शन आ गया हो ड्यू टू द लोड्स,
ड्यू टू द लोड, या हम लोग कहते हैं तो सर ड्यू टू द डिफ्लेक्शन, हम लोग कहते हैं ड्यू टू द माउंटेड. तो बियरिंग क्या होती है, दैट मीन सपोज दैट आपका ये एक्सेस है, तो उस एक्सेस से दैट मीन ड्यूरिंग फंक्शन वो क्या हो जाते हैं, थोड़ी अलाइन हो जाती है. सपोज मैं नहीं कहता कि दैट मीन बहुत ज्यादा अलाइन हो गई, वो क्या होती है लिटिल बिट दैट मीन अलाइन हो जाती है. तो बेटा अगर वो ऑब्वियसली बात है अगर ये अपने पर्टिकुलर पोजीशन पे है तो दैट मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी, लेकिन अगर गुरुदेव वो थोड़ी सी अगर अलाइन अगर हो जाती है तो वो अपना जो फंक्शन वो है वो प्रॉपरली आपको दे पाएगी. बोला सर नहीं, वो कोई भी पंप का फंक्शन अपना नहीं दे पाएगी. तो जो वो मिस अलाइनमेंट है, दैट मीन्स मिस अलाइनमेंट का मतलब आपने एक पोजिशन पर रखा वो अलाइन थोड़ी सी अलाइन हो गई, या पहले आपने रखते टाइम ही दैट मीन्स उसको ध्यान से नहीं रखा तो वो फंक्शन नहीं. तो ऐसे बियरिंग भी होते हैं जो क्या करते हैं उसको अपनी उस पोजीशन में ले आते हैं, या वो बियरिंग अपने हिसाब से दैट मीन्स उसको क्या कर देते हैं अलाइन कर देते हैं. तो उनको बोला जाता है कि सर वो मिस अलाइन नहीं है, उसकी जो मिस अलाइनमेंट है उसको अलाइनमेंट पे ले आए. लेक तो ये बियरिंग ऐसा है, तो बोला सर ये बियरिंग ऐसा नहीं करता, यू हैव टू परफेक्टली माउंट द शाफ्ट ऑन द मशीन, आपको परफेक्टली वहां पर रखना पड़ेगा सो दैट आपको प्रॉब्लम आगे नहीं आएगी. क्लियर है? तो ये डिसएडवांटेज पूछ लिया जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे. ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है यहां पर देख सकते हैं टू बियरिंग है यूज कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा अगर टू बियरिंग यूज कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बोला सर दैट मीन्स कोस्ट एसोसिएटेड विद द बियरिंग बढ़ जाएगी ना. तो सर ये जो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बियरिंग है ये थोड़ा सा महंगा दैट मीन्स हम लोग कोस्ट लगता है अगर इसको आप यूज करते हैं. गॉट इट ना? क्लियर है. चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे किसके लिए, बोला सर थर्ड पॉइंट, थर्ड बियरिंग, बोले सर इट इज व्हाट सेल्फ सेल्फ अलाइन बॉल बियरिंग. ठीक है, सेल्फ अलाइन बॉल बियरिंग. तो बोला सर ये कैसा बॉल बियरिंग है, आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है कि बोला सर ये क्या करेगा सेल्फ अलाइनमेंट है. तो ऑब्वियसली बात है मैंने आपको क्या बताया था कि बोला सर जो अलाइनमेंट है ये क्या कर लेता है, खुद उसको अलाइन कर लेता है एज अवर रिक्वायरमेंट. तो उसको हम लोग बोलेंगे दैट मीन देयर इज अ सेल्फ अलाइन बॉल बियरिंग. तो सबसे पहला तो इसका एक सबसे बड़ा अच्छा एडवांटेज आपका क्या आ जाएगा, बोला सर इट परमिट्स दैट मीन्स मिस अलाइनमेंट, मिस अलाइनमेंट बिटवीन शाफ्ट एंड बियरिंग हाउसिंग. And shaft and bearing housing. तो ये क्या करता है? बोले सर ये permit कर लेता है. That means किसको? बोले सर that means during service. During service. तो सबसे पहले यही question पूछ लिया जाता है कि सर जो ball bearing है उसके अंदर self aligning ball bearing कौन सा है? तो आप कह देंगे बोले सर ये होता है. अब मैं आप लोगों को दिखाऊं that means जैसे किस तरीके से इसके अंदर ये जो अलाइनमेंट वगैरह हम लोग कह रहे हैं कि सर किस तरीके से होता है. देखो मैं आपको दिखाता हूँ. तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं मेरे पास शेप्स वगैरह कुछ 3D में होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ. तो यहाँ से हम लोग कुछ बना सकते हैं. ये तो कुछ इस तरीके का बनेगा. नहीं ये नहीं बनेगा. 2D में कुछ चलो इसी में करते हैं कुछ सो दैट मैं आप लोगों को दिखा पाऊं. ठीक है, देखो जरा इसके अंदर मैं आपको दिखाऊं तो ये ठीक है, ये मेरा क्या है बोला सर दैट मीन्स ये बियरिंग है आप लोगों का. ठीक है,
अब यहां पर हम लोग कह दें कि सपोज दैट देयरिंग, दिस इज द बियरिंग एक्सिस, हम बोल दें कि सर ये मेरा क्या है, बियरिंग एक्सिस है, इसको छोड़ थोड़ा सा मैं नीचे ले आऊं सो दैट आप लोग क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, बोला सर दिस इज द माय बियरिंग एक्सिस। यहीं पर हम छोटी सी एक और बनाते हैं, राइट, ठीक है, इसके अंदर भी ये मेरी क्या है, सॉरी ये मेरी क्या है, बोला सर दिस इज माय शाफ्ट। ये क्या हो गई भैया मेरी, ये क्या है आपकी शाफ्ट है। तो अब इसी बात मैं बोलूंगा, बोला सर ये मेरा क्या हो गया, दिस इज माय बियरिंग, दिस इज माय बियरिंग, और ये मेरी क्या है, बोला सर दिस इज शाफ्ट। अभी क्या है, ये आपका क्या है, बोला सर सेंटर है, तो ये क्या है, इट इज द परफेक्टली अलाइन, ये अभी क्या, अभी तक क्या है, बोला सर दिस इज द परफेक्टली अलाइन। लेकिन ऑब्वियसली बात है, मैंने क्या बोला, ड्यू टू द माउंटिंग, जब आपने माउंट कर रहे हैं तब जब आप डिफ्लेक्शन, दैट मीन्स हो जाता है कि कई बार बियरिंग के अंदर को डिफ्लेक्शन आ जाए, तो ये जो शाफ्ट है, दैट मीन्स ये जो शाफ्ट है, हो सकता है, हो सकता है, दैट मीन्स क्या हो जाए, बोले सर हम लोग क्या कह दे, बोले सर इट दिस शाफ्ट विल बी अलाइन सम, दैट मीन्स क्या हो जाएगी, सम अलाइनमेंट ले लेगी। हो सकता है कि बोले गुरुदेव ये जो बियरिंग, ये जो शाफ्ट है वो क्या करे, बोले सर थोड़ा सा अलाइनमेंट अगर ले ले, जब ये थोड़ा सा अलाइनमेंट अगर ये ले लेगी, थोड़ा सा अगर ये अलाइनमेंट अगर ये ले लेती है, तो देन, तो देन क्या होगा मेरे भाई, ये इसका सेंटर आ गया, ये क्या आ गया, बोला सर इसका सेंटर आ गया। जब इसका सेंटर यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो मैं कहना चाहूंगा बेटा दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, बोला सर दिस इज एन डिफ्लेक्शन। तो दैट मीन्स यहां पर आप लोगों के पास क्या आ गया, बोला सर एक अलाइनमेंट यहां पर हम लोगों के पास आ गया। जब एक अलाइनमेंट यहां पर हमारे पास आ जाता है, तो इस अलाइनमेंट को, ये जो अलाइनमेंट मैं आप लोग, मैंने आप लोगों को दिखाया, ये जो अलाइनमेंट मुझे यहां पर दिखा, ये जो अलाइनमेंट है, तो इस अलाइनमेंट को दैट मींस परमिट कौन कर सकता है, ओनली और ओनली दैट मींस देयर इज अ सेल्फ अलाइन बॉल बेयरिंग, दैट मींस परमिट कर सकता है। तो वो क्या करेगा, अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेगा, क्लियर है। अब इसके अंदर बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, बोले सर द पेयर ऑफ बॉल्स आर यूज, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, द टू रो ऑफ मूविंग बॉल्स आर रिक्वायर्ड। तो यहां पर ये पॉइंट हम लोग और लिखेंगे जरूर, कि बोले सर टू रो ऑफ मूविंग बॉल्स आर रिक्वायर्ड, आर रिक्वायर्ड, टू रो ऑफ मूविंग बॉल्स आर रिक्वायर्ड। दैट मीन्स क्या होता है, बेसिकली यहां पर ये दो बॉल्स होंगी जो क्या करती हैं इनको, दैट मीन्स यहां पर क्या है हमारे पास, अगर मैं यहां पर देखूं तो बोले गुरुदेव यहां पर हमारे पास बॉल्स होती हैं, ठीक है, मैं कलर थोड़ा चेंज करूं सो दैट आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है, यहां पर जो है वो मेरे पास यहां पर क्या होंगी, बोले सर यहां पर बॉल्स होंगी, ये जो बॉल्स हैं वो क्या कर लेती हैं, उनको अलाइन कर देंगी। बॉल्स आपको दिखाई दे रही है, तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके का, दैट मीन स्ट्रक्चर होता है, तो मैं आप लोगों को दिखाऊं जरा, ठीक है, वेट अ मिनट बेटा, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, दो बॉल्स रखते हैं, ये आपकी बॉल्स हो गई। अब इन बॉल्स पे अगर मैं बात करूं तो डायग्राम थोड़ा सा मुझे देखने दो सो दैट मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो बोले गुरुदेव ठीक है ये हो गया आपका, और दैट मीन्स एक इस तरीके का कर्व बना होता है, ठीक है,
ये आप लोगों का एक बॉल बेयरिंग है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, बोला सर दो बॉल्स हम लोग यहां पर बेसिकली हमारी यूज करेंगे। तो ये जो पेयर ऑफ बॉल मैं आपको बोल रहा हूं, टू रो ऑफ रोलिंग एलिमेंट, तो ये दो रो ऑफ रोलिंग एलिमेंट है, ये क्या करते हैं, दैट मींस ये क्या करेंगे, ये जो ऊपर मैंने एक दैट मींस ये जो बनाया है ना, तो ये यहां पर क्या करते रहते हैं, रोल करते रहते हैं। दैट मींस क्या करेंगे, ये यहां पर रोल कर लेंगे। दैट मींस जैसे ही अलाइनमेंट आएगा, तो ऑब्वियस ही बात है अगर ऊपर लगा है तो अलाइनमेंट आएगा, तो पहले ऐसे था तो ये अलाइनमेंट आएगा तो ये क्या करेगा, उसको रोल करवा देगा। तो ये जो बॉल्स हैं वो क्या करती हैं, दैट मींस इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में रोल करती हैं। सो दैट मींस एक बियरिंग ऐसा लगा है, दैट मींस हम इसी को मैं आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं, इसको हम लोग क्लोन बना लेते हैं। दैट मींस अभी क्लोन बना लिया, एक मिनट रुकिएगा, ये क्लोन बन गया। तो हम लोग क्या करें, सपोज दैट एक आपका ए यहां पर हो गया, एक आपका हम लोगों ने एक ये हम लोगों ने यहां सेट कर दिया, ठीक है। ये तो एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा, तो उस हिसाब से ये क्या करते रहेंगे, दैट मींस एडजस्ट होते रहेंगे। ये थोड़ा उल्टा, दैट मींस हमको बनाना था कि पोर्शन नीचे आ जाए, ठीक है। एक मिनट चलो इसको भी देखता हूं, सो दैट कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बोले सर फ्लिप, ये लो, ये लो, ठीक है, ये हो गया, समझ आ गया, समझ आ गया। तो बोले सर ये ऊपर का सेटिंग होगा नीचे का, तो ये क्या करेगा, इस तरीके से रोटेट करेगा, सो दैट आप लोगों की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये मेरा क्या है, बोले सर इट इज द सेल्फ अलाइन बॉल बेयरिंग। क्लियर है मेरे बच्चे, क्लियर है मेरे बच्चे, बोले सर हाँ। और अब बात करते हैं, बोले सर ये लोड, लोड किस डायरेक्शन में लेगा, तो हम लोग कह देंगे, बोले सर इट टेक्स, बोले सर इट टेक्स, इट टेक्स लोड इन बोथ डायरेक्शन, इट टेक्स लोड इन बोथ डायरेक्शन। अब लोग डायरेक्शन आप क्या कहेंगे, डायरेक्शन क्या कहेंगे, बोले सर रेडियल एज वेल एज एक्सियल, तो ये दोनों डायरेक्शन में बेसिकली क्या करेगा, आपका लोड ले सकता है। अब कई बार दैट मींस इसका क्या करता है, वो एप्लीकेशन पूछ लेता है कि सर इसका एप्लीकेशन क्या होगा। तो अगर मैं एप्लीकेशन आप लोगों को बताऊं, इसका जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन जो है वो आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगा, बोले सर इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, इन एग्रीकल्चर्स, दैट मीन जो एग्रीकल्चर जो आपके इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्रीज में जो इक्विपमेंट्स वगैरह बनते हैं, तो हम लोग क्या कह देंगे, इन एग्रीकल्चर के अंदर आप लोगों को इसका एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। क्योंकि वहां पर ऑब्वियसली बात है जब लोड ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली बात है अलाइनमेंट की हो सकता है प्रॉब्लम, इधर उधर हो सकती है। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट, बोला हाँ। चलिए अब हम लोग करते हैं लास्ट हमारा, अब हम लोग करेंगे बोला सर लास्ट वो कौन सा होगा, बोला सर देयर इज अ टेपर रोलर, फोर्थ नॉट टेपर रोलर, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग। तो कौन सा बेयरिंग हो गया, बोला सर थ्रस्ट। तो होप सो आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा, नाम से पता चल रहा है कुछ, बोला सर बिल्कुल पता चल रहा है। तो सर क्या है, थ्रस्ट है, तो थ्रस्ट का मतलब बोले सर देयर इज अ एक्सियल लोड। तो बेसिकली ये लोड दैट मींस ये बेयरिंग क्या काम आते हैं, बोले सर इट टेक्स ओनली एक्सियल लोड्स, ठीक है, ये सिर्फ क्या करेंगे, बोले सर एक्सियल लोड्स ही कैरी करते हैं, ये क्या करते हैं सिर्फ एक्सियल लोड ही लेते हैं। तो थ्रस्ट का मतलब है ये बेसिकली एक्सियल लोड लेगा, दैट मींस ये क्या करेगा, बोला सर रेडियल लोड ये नहीं लेगा। तो याद रखिएगा थ्रस्ट बॉल बेयरिंग टेक ओनली द एक्सियल लोड, इट डज नॉट टेक एनी रेडियल लोड, ये रेडियल लोड नहीं लेते हैं, ठीक है।
ठीक है, एक बात जब बोला सर एक्सियल लोड लेते हैं, जब ये एक्सियल लोड बेसिकली लेंगे तो इनको हम लोग क्या करते हैं कि सर जो वर्टिकल शाफ्ट्स हैं, जो वर्टिकल शाफ्ट्स हैं बेसिकली हम इनको क्या करते हैं, प्रिफर्ड फॉर वर्टिकल शाफ्ट्स। तो हम लोग यहां लिख देंगे दे जर्नली प्रिफर्ड फॉर वर्टिकल शाफ्ट्स, दैट जर्नली प्रिफर्ड फॉर वर्टिकल शाफ्ट। तो ये वर्टिकल शाफ्ट्स के लिए जर्नली दैट मीन्स प्रेफर किए जाते हैं। तो थ्रस्ट बियरिंग के अंदर आप लोगों को याद रखना है कि सर हमको ये बियरिंग कहाँ यूज होता है, कौन सा लोड लेता है, रेडियल लोड नहीं लेता, एक्सियल लोड लेता है, जनरली प्रेफर फॉर द वर्टिकल शाफ्ट्स। तो एग्जांपल अगर हम देखें तो आप लोगों ने क्रेन के हुक्स वगैरह देखे हैं, क्रेन के हुक्स वगैरह देखे हैं बोला सर हाँ। तो क्रेन के हुक्स बेसिकली क्या काम आते हैं बोला सर, किसी चीज को उठाने के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है उस पर क्या होगा, उस पे क्या लगा है बोले सर ये वर्टिकल लोड लगा हुआ है। तो बस ही बात है, अब वो क्रेन क्या करता है, वो भी रोटेट करता है, जो क्रेन का हुक है वो भी हम लोग देखते हैं रोटेट करता है। जो क्रेन के हुक के अंदर जो बियरिंग लगा होता है, क्रेन के हुक के अंदर जो बियरिंग लगा होता है वो आपका कौन सा बियरिंग होता है, वो लाइक दिस, ठीक है, इसमें अगर हम बनाएं ठीक है, तो इस तरीके के दैट मीन्स क्या होता है, वो बियरिंग होता है। तो यहां पर हम लोग कह दें कि बोले सर यहां पर हमारे पास क्या होगा, बोले सर रोलिंग एलिमेंट्स वगैरह होते हैं। तो ये आपका जो बियरिंग हो जाएगा वो दैट मीन्स कौन सा हो जाएगा, दैट मीन्स थ्रस्ट बियरिंग। तो ये बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल शाफ्ट या वर्टिकल लोड्स लेने के लिए यूज करते हैं। जो जो क्रेन का हुक होता है वो दैट मीन्स इस तरीके का बियरिंग होगा। तो वो क्या करेगा, वहां पर भी बियरिंग होगा, रोटेट करता है तब, तो वहां पर जो बियरिंग यूज करते हैं वो थ्रस्ट बियरिंग हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं बोले सर, दैट मीन्स एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं, ज्यादा खैर एग्जाम्पल आप लोगों से नहीं पूछेगा लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा कर दूं कि सर क्रेन हुक्स, दैट मीन्स क्रेन हुक्स के हम अंदर यूज करते हैं। और आजकल जैसे नाउ ए डेज जो आप लोगों के जो गियर बॉक्सेस हैं, जो गाड़ियों में जो कार्स हैं, कार्स के जो गियर बॉक्सेस हैं उनके अंदर हेलिकल गियर लगे होते हैं, और जब हम गियर को फॉरवर्ड वगैरह करते हैं तो वहां पर भी हम लोगों को क्या है बोला सर, फॉरवर्ड गियरिंग जब हम लोग करते हैं तो आजकल वहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, इस बियरिंग को यूज करने लग गए हैं नाउ ए डेज। पहले दैट मीन्स नहीं यूज करते थे, लेकिन अभी अगर हम देखें तो ये आपके जो कार्स के जो गियर्स है, जब फॉरवर्ड गियर हम लोग लेते हैं तो उसमें दैट मीन्स हम इसको यूज करने लग गए हैं। क्लियर है, गॉट इट बोले सर हाँ। तो ये थे बेटा मेरे डिफरेंट बॉल बियरिंग जो मैंने आप लोगों को क्लियर किए। तो अब आप लोगों को मैं लास्ट में दैट मीन्स के की पॉइंट्स बता देता हूं जो आप लोगों को शॉर्ट नोट्स में एक बार देखने हैं। तो स्टार्टिंग से चले बोले सर बिल्कुल, एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं सो दैट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले आपका आता है डीप ग्रू बॉल बियरिंग, जिसको आप किस नाम से जानते हैं बोले सर, उसको हम DGBB बोलते हैं। क्या बोलते हैं, DGBB, शॉर्ट में आप लोग बोलेंगे DGBB। घबरा मत जाना सर, DGBB क्या है, तो डीप ग्रू बॉल बियरिंग है। तो ये क्या करता है, दोनों लोड ले सकता है, पर बेसिकली ज्यादा कौन सा लोड लेता है, रेडियल लोड लेता है। दूसरा इसका क्या है बोले सर, नॉइजलेस ऑपरेशन है, सारे के सारे बॉल बियरिंग में सबसे नॉइज कम मिलती है। अब यहां पर पॉइंट ऑफ जो कॉन्टैक्ट है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, और पैकिंग एक अच्छी है, क्यों, क्योंकि एक डीप ग्रूव कटा हुआ है, एक डीप ग्रूव के बीच में होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, फ्रिक्शन और हीट जनरेटेड क्या होगा, कम होगा। जब फ्रिक्शन और हीट जनरेटेड ये कम होगा तो इसको हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, गॉट इट। और बोले सर इसका एप्लीकेशन कहां पर आपको देखने को मिलता है, जो हमारे हाई स्पीड एप्लीकेशंस होते हैं वहां पर हम इसके एप्लीकेशन को देखते हैं, गॉट इट। नेक्स्ट पर आओ, एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग। तो एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग के अंदर हम लोग क्या कहेंगे, ये लोड दोनों डायरेक्शन में लेगा, दोनों डायरेक्शन में लोड लेगा, लेकिन ज्यादातर हम लोग इसको यूज कहां पर करेंगे, एक्सियल लोड को लेने में यूज करेंगे, ठीक है। इसके डिसएडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है, एक तो ये मिसअलाइनमेंट प्रोवाइड नहीं करवाता है, दूसरा बेसिकली बेटा इसमें क्या है कि अगर हम लोगों को एक्सियल लोड लेने हैं
अगर हम लोगों को एक्सियल लोड लेना है तो हम लोगों को दो बियरिंग यूज करने पड़ेंगे. गॉट इट. नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेल्फ अलाइन बॉल बियरिंग. तो बॉल बियरिंग के अंदर जो सेल्फ अलाइनमेंट प्रोवाइड करवा देता है वो कौन सा बियरिंग है? सेल्फ अलाइन बॉल बियरिंग. इसमें घबराने की जरूरत नहीं है. ठीक है. इसके अंदर हम क्या करते हैं, टू रो ऑफ मूविंग बॉल्स आर रिक्वायर्ड. ठीक है. तो ये लोड दोनों डायरेक्शन में ले सकता है, दोनों डायरेक्शन में ले सकता है. इसके जो एप्लीकेशन है वो क्या है, एग्रीकल्चर में. तो जितने पॉइंट मैंने इस बोर्ड पे लिखे हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स आपके शॉर्ट नोट्स में होने चाहिए, सो दैट आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा. और जब मैं प्रैक्टिस वगैरह आप लोगों को करवाऊंगा, जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हम लोगों ने स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जॉर्नल बियरिंग जो है, या आप उसको स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग कह लो, उसकी अलग से हम लोगों ने क्या बोलते हैं प्रैक्टिस करी ना, तो ऐसे ही इसकी प्रैक्टिस करेगी तब आप लोगों को देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस. क्लियर है. चलो अब आगे चलते हैं. तब उसके बाद क्या आ जाएगा, थ्रस्ट बॉल बेयरिंग. थ्रस्ट बॉल बेयरिंग से नाम ही पता चल रहा है, सिर्फ क्या करता है, एक्सियल लोड लेता है, रेडियल लोड नहीं लेता है. जनरली वर्टिकल शाफ्ट्स के लिए यूज करते हैं. कहां लगा होता है? बोला सर क्रेन हुक में लगा होता है. तो होप सो मेरे बच्चे आप लोगों को ये बॉल बेयरिंग, जो डिफरेंट बॉल बेयरिंग मैंने आप लोगों को समझाए वो आप लोगों को क्लियर हुए होंगे. आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड. तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा. और हाँ, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर SSC JEE का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें. तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में.